इसमें पूरे भारत से, भारत के बाहर से डेलीगेट्स आएंगे और यहाँ पर एक चर्चा होगी जो हिंदुत्व की जो आज की समस्या है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के दृष्टिकोण से हमें कैसे प्रयास करना है। वास्तविकता में आज हम देखते हैं कि कश्मीर फाइल्स बनने के बाद कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो गए वो लोगों के सामने आ गए। केरला स्टोरी बनने के बाद केरल में जिस प्रकार से लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा था वो लोगों के सामने आया। गोवा भी ऐसे ही एक प्राचीन और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्रदेश है, राज्य है कि जहाँ पर इंक्विजिशन के नाम पर यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया था। तो इस दृष्टिकोण से गोवा फाइल्स क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में एक विचार विमर्श होगा और उसके अंदर कई सारे लोग उसके अंदर सहभागी होंगे। केवल इतने ही मुद्दे इसमें नहीं है, तो इसको इसके अलावा आज हेट स्पीच का एक बहुत बड़ा मुद्दा हर जगह पर चल रहा है कि कहीं पर भी भाषण कर दिया तो हेट स्पीच है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अब समस्या खड़ी हो गई कि हम कौन सी बात करेंगे तो हेट स्पीच होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में भी एक वहाँ पर विचार विमर्श होगा। हिंदू राष्ट्र के अन्य जो मुद्दे हैं, लव जिहाद जैसा मुद्दा है, हलाल जैसा मुद्दा है, इन बातों पर भी चर्चाएँ होगी। हिंदू धर्म है जो विश्व बंधुत्व की संकल्पना रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना रखता है, तो यही भारत के लिए आदर्श है। आज हम देख रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया विजन 2047 का डॉक्यूमेंट बना करके भारत को इस्लामिक देश बनाने का यदि सपना देख रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो उसका उत्तर भी तो कुछ होना चाहिए। और इसलिए ये अधिवेशन भारत के हिंदुओं की एक अभिव्यक्ति है,